नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। और बात करेंगे कर्नाटक के कन्नड़ राज्योत्सव के बारे में। जी हां, आज 1 नवंबर है और आज कर्नाटक में कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जा रहा है। 64वां ये कन्नड़ राज्योत्सव है और इसका मतलब है कि 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ये कन्नड़ राज्योत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सार्वजनिक छुट्टी होती है इस दिन कर्नाटक में और कई क्षेत्रों के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहते हैं। और जो 1956 में हुआ था कि कर्नाटक ध्वज और एक भाषा के आधार पर इस राज्य की स्थापना हुई थी, उसी के तहत कर्नाटक ध्वज जो कि लाल और पीले रंग का होता है वो फहराया जाता है और जगह जगह पर आपको कर्नाटक ध्वज देखने को मिलेगा। जो कन्नड़ लोग हैं बड़ी धूमधाम के साथ इस सब को मनाते हैं। वर्ल्ड में यानी विश्व भर में जो भी जितने भी कन्नड़ लोग हैं या कन्नड़ भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं वो इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम और बड़े ही मन से मनाते हैं। काफ़ी अच्छा पर्व रहता है, ये उनके लिए खुशियों का एक त्यौहार माना जाता है और जिस तरीके से इसका प्रचलन है उसके हिसाब से ये कन्नड़ वासियों के लिए एक बेहतरीन अवसर होता है अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए या अपने राज्य के लिए अपना प्रेम उनके प्रति जो आदर है वो दिखाने के लिए साफ तौर पर। वैसे विशेष तौर पर आपको मैं बता दूं इस कन्नड़ राज्योत्सव के बारे में, तो ये किसी धार्मिक पर्व से नहीं जुड़ा है। तो ऐसे में इस पर्व को ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी जाति वर्ग धर्म के लोग बड़े ही मन से और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो राज्य के फिलहाल मौजूदा CM है VS येदियुरप्पा जी, वो सभी लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो कर्नाटक का राष्ट्र ध्वज है उसको फहराएंगे और एक कार्यक्रम को रंगारंग कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ साथ उसका आनंद भी लेंगे और जो कन्नड़ भाषी बोलने वाले लोग हैं या कर्नाटक राज्य के लोग हैं उनको संबोधित करके अपने राज्य के प्रति प्रेम भावना आदर और कन्नड़ भाषा की वैल्यू को बताएंगे। साथ ही साथ और भी कई बड़े अधिकारी और राजनेता जो कर्नाटक राजनीति के हैं वो इस पर्व में जुड़ते हैं और बड़े ही मन के साथ और बड़े दिल के साथ इस पर्व का हिस्सा बनते हैं और साथ ही साथ अपने जो राज्य की जनता है उसके सामने अपने प्रेम विचार जो राज्य के प्रति उनके हैं वो व्यक्त करते हैं। इतिहास कुछ ऐसा है इस कन्नड़ राज्योत्सव का जो मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को एक भाषा क्षेत्र के और एक राष्ट्रीय ध्वज के आधार पर कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका नाम तब कर्नाटक नहीं था, इसका नाम मैसूर था, लेकिन कई क्षेत्रों ने मैसूर नाम को स्वीकारा नहीं था। तो इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इस पर चर्चा चलती रही और फिर 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदल दिया गया और नाम कर्नाटक रख दिया और उसके आधार पर फिर कन्नड़ राज्योत्सव ये तब से मनाया जाता है। और अब की बार ये 64वां ऐसा स्थापना दिवस है जो मनाया जा रहा है। विश्व भर में जैसा मैंने आपको बताया जितने भी कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं वो इस त्यौहार को, इस पर्व को बड़े ही उल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। फिलहाल कन्नड़ राज्योत्सव की अभी राज्य में पूरी धूम मची हुई है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसे मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और लोग अपने राज्य के प्रति अपने प्रेम व्यवहार को सोशल मीडिया पर भी जाहिर कर रहे हैं। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।